कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और बिहार के 40 लोकसभा सीट में सबसे हॉट सीट पूर्णिया लोकसभा बना हुआ है और इस वक्त हम पूर्णिया में मौजूद हैं और यहां पर जेडीयू के तरफ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जो यहां से दो बार पहले सिटिंग एमपी भी हैं और एक तरफ महागठबंधन से एक सीट आरजेडी के खाते में गई है और बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है और तीसरे उम्मीदवार हैं जिनके आने से पूर्णिया सीट और रोमांचक बन गया है। देखिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं पप्पू यादव जो इससे पहले भी पूर्णिया में सांसद रह चुके हैं। लोगों से हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्णिया के लोगों के बीच में क्या माहौल है। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या नाम है आपका? भवेश कुमार यादव। क्या लग रहा है पूर्णिया में किसका माहौल है? ए, अब कहना मुश्किल है, तो अब चुनाव नज़दीक है कहना मुश्किल है। चलिए आपका क्या नाम है? मदन प्रसाद गुप्ता। क्या लग रहा है पूर्णिया में किसका माहौल है इस बार? हमको तो लग रहा है पप्पू यादव का माहौल। पप्पू यादव का? क्या पप्पू यादव में क्या अच्छाई नज़र आ रहा है? उनको बोलते हैं वो कम से कम गरीब को जो है ना हेल्प करते हैं। हाँ। यही सब है। हाँ। और क्या? और कौन चीज उनसे मिलने पर बात करते हैं, मिलते भी हैं, मिलने वाले में कोई अनाकानी नहीं करते हैं। कभी कोई दुख सुख में बेचारे पहुंच जाते हैं, दरवाजे पर बुलाने पर भी आ जाते हैं, नहीं भी रहते हैं अपने कार्यकर्ता को भेज देते हैं उस जगह। हाँ। इतना तो है। तेजस्वी यादव आज आए थे क्या बीमा भारती के लिए प्रचार कर रहे हैं? हम तो गए भी नहीं, हम देखे भी नहीं, हम सुने भी नहीं है वहाँ, हम तो वहाँ गए भी नहीं। एक तरफ से एनडीए के कैंडिडेट हैं यहाँ पे संतोष कुशवाहा, क्या उनसे आप लोग नाराज हैं? उनको तो आज तक हम नहीं देखे हैं। हाँ, आज तक नहीं देखे हैं शहर में, आज तक देखे नहीं देखे हैं यहाँ। कभी घूमते फिरते भी नहीं देखे हैं। और पप्पू यादव में देखे हैं। हाँ। देखिए किसी का नमक खा के नमक हरामी नहीं करना। हाँ, चाहिए। हाँ। उचित बात बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे। कहने का मतलब है कि हम लॉकडाउन में देखे पप्पू यादव खुद। हाँ। पप्पू यादव के 50 को कार्यकर्ता घूम घूम कर सभी का हाल चाल पूछ रहे, सभी को जो दिक्कत था समस्या अपना हल कर रहे थे। इनको तो कभी नहीं देखे हैं पप्पू यादव में, इस बार यानी कि पप्पू यादव। हाँ। और यहाँ पे कुछ लोग गार्ड है, आप लोग क्या लग रहा है पूर्णिया में इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं? देखिए इस बार जो है ना स्थानीय। हाँ। मुद्दे पर वोट करें, देश। हाँ। लेवल पर बात नहीं करें अभी। हाँ। पूर्णिया का माहौल जो है सब जगह जो है ना पप्पू यादव का ही नाम, पप्पू यादव का नाम था और किसी का नाम नहीं चला। मतलब पप्पू यादव में क्या अच्छाई नजर आ? पप्पू यादव सब कुछ से ठीक है वो। अगर कोनो काम होगा अगर हमारे अंदर जो काम करवाने चाहेंगे तो पप्पू यादव पास जाएंगे तुरंत कर देगा। संतोष कुशवाहा पास भी गए थे दो काम लेकर के। हाँ। मगर नहीं हो पाया, मिलने के लिए भी नहीं। हाँ। दिया उसको, ठीक है, मगर पप्पू यादव के पास गए, एक मिनट में काम करवा दिया मेरा। आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों आए हुए थे यहाँ पर बीमा भारती के लिए प्रचार। हम लोग नहीं गए थे वहाँ। हाँ। ठीक है, और उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। यानी कि पप्पू यादव से क्या कहिएगा आप, पूर्णिया में इस बार किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? यही मुद्दा है कि पप्पू यादव जो है गरीबों का हेल्प करता है और 12 बजे हो 1 बजे रात को हो किसी को भी मुसीबत पड़ने से वो टाइम पे पहुंच जाता है। वो जात या पात नहीं देखते हैं, किस जाति का है वो नहीं देखते हैं। संतोष कुशवाहा यहाँ के जो सिटिंग अभी एमपी हैं क्या उनसे नाराज हैं? नाराज क्या वो कि जहाँ तक कि वो पब्लिक सिटी में हाँ वो नहीं पहुँचते हैं। हाँ, जहाँ के बहुत गरीब जो है मिलने भी नहीं देता है उसको। हाँ, और सही टाइम पे वो पहुँचता भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुश्फिक आलम। क्या काम करते हैं? हम नर्सिंग लाइन में हैं। क्या लग रहा है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद साहबुद्दीन। क्या है पूर्णिया का माहौल, क्या है, किस मुद्दे पर इस बार वोट कर रहे हैं आप लोग? मुद्दा क्या है यहाँ, पप्पू यादव है पूर्णिया का ब्रांड है। पप्पू यादव पूर्णिया का ब्रांड है? पप्पू यादव तो ब्रांड है। क्या है जो अभी मौजूदा एमपी है वो ब्रांड नहीं है क्या? कौन मौजूदा एमपी कौन है? अरे ये तो समय का मांग था, कभी ले आया पप्पू यादव था नहीं यहाँ। जब पप्पू यादव यहाँ है तब दूसरा का कौन है? पप्पू यादव के अंगने में दूसरे का क्या काम है? तेजस्वी यादव मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, आज पूर्णिया में आए थे। सुनिए ना, तेजस्वी लालू की भी है दरकार। हाँ। लेकिन पप्पू यादव से नहीं है इनकार। अच्छा, पप्पू यादव पप्पू यादव है, राष्ट्रीय नेता है पप्पू यादव ना। पप्पू यादव कोई थोड़ा, राष्ट्रीय फलक पर उसका पहचान है। पप्पू यादव का क्या चीज पसंद आता है? देखिए जब पप्पू यादव आया था ना यहाँ पहली बार, तब यहाँ पर बिजली यहाँ पर आता था
18 घंटा बिजली गायब रहता था। जब पप्पू यादव आया तो यहाँ सब आदमी जान रहा है कि 24 घंटा बिजली आया ना जी, 4 मेगावाट बिजली यहाँ पर मिला NHPC से पूर्णिया के लिए स्पेशल, 24 घंटा बिजली रहता था। पप्पू यादव अपने आप में एक संस्था है। अब बाकी लोग जो घूम रहे हैं, बीमा भारती है, संतोष कुशवाहा, बीमा भारती तो एक ठो विधायिका है, वो सब है, एक कोना में है उसको क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद बादशाह। क्या करते हैं? काम करते हैं कॉपी हाउस में, मेरा घर। क्या इस बार पूर्णिया में किसके साथ हैं आप लोग, किसका माहौल है? पप्पू यादव। क्या है पप्पू यादव? गरीब का हिल मसीहा हर चीज़ को। जो MP अभी है उनसे नाराज है? वो तो देखने भी नहीं आते हैं किसी को, पूछने भी नहीं आते, मिलते भी नहीं हैं कभी, कभी तो भेंट भी नहीं हुए उनसे। पप्पू यादव उससे क्या मतलब? मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, सब में जाते हैं, कोई मसला होता है तो हल करते हैं जाके बोलने का। समस्या क्या है अभी पूर्णिया में? पूर्णिया में तो वही है, पप्पू यादव है। समस्या क्या है जो अभी 10 साल से है? समस्या तो नहीं बता सकते हैं, मगर तब फिर वोट मतलब पप्पू यादव कह रहे थे, पप्पू यादव को हम लोग देते हैं तो देना है, बढ़िया नेते हैं, गरीब के लिए हमदर्द है, हर चीज़ है। चलिए आगे और लोग हैं, उनसे भी हम एक एक करके जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पर कई लोग हैं कि कई लोग भैया, नाम क्या है आपका? मनोज कुमार। क्या लग रहा है पूर्णिया में इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं और किस मुद्दे की बात किया जाए तो इस बार चांस है पप्पू यादव का। पप्पू यादव का चांस है? क्या मतलब कि जो यहाँ के मौजूदा सांसद उनसे नाराज हैं आप लोग? देखिए मौजूदा सांसद से नाराज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है मौजूदा सांसद जो है फिलहाल, वो कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास जाए तो उसके पास टाइम नहीं रहता है मिलने के लिए। अच्छा ठीक, कोई भी कार्य जैसे कुछ भी सभी जगह मिलने जाते हैं तो टाइम नहीं है। यही अगर पप्पू यादव के पास कोई भी व्यक्ति चले जाए मिलने के लिए, आराम से आने दो, कोई दिक्कत नहीं होती है उसके पास जाने। तेजस्वी यादव आ जाए थे, मुकेश सहनी आए थे यहाँ पे, बीमा भारती के पक्ष में कह रहे हैं कि वोट दीजिए, बीमा भारती के पक्ष में वोट दीजिए। आप बताइए कि बीमा भारती क्या काम करती है अभी? रुपोली का है, हम लोग का वही है ठीक, लेकिन काम के मैटर में उसको पता नहीं है, नॉलेज एक तरह से पूछा जाए तो नहीं के बराबर है। आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, वही बात है। तो बाकी जो लोग घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, देखिए वोट तो मांगने का आदमी 10 विद्यार्थी सब एक में 10 रहता है, लेकिन 10 में से एक ही निकलता है ना, उसी तरह है ये भी, आदमी तो सबके लिए वोट मांगेगा ना, लेकिन सबका अपना अपना राय अलग अलग है। तो पप्पू यादव को क्यों चुनना चाहते? पप्पू यादव यहाँ का सांसद पहले भी रह चुके थे ठीक, इसलिए कि वो सभी व्यक्ति का काम बहुखूबी निभाते हैं और बुलाने पे वो खुद ब खुद आते हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? बोलिए सबसे पहले भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम रिशु कुमार है। क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में किसका माहौल है? पप्पू यादव। पप्पू यादव का जी। पप्पू यादव का क्या अच्छा है? पप्पू यादव का बहुत सारे अच्छा है, किसी भी गरीब का कभी जरूरत होता है तो वो खड़े रहते हैं साथ। आज से संतोष कुशवाहा जी तो नहीं देखे कहीं भी खड़े, किसी गरीब के साथ कुछ भी कांड होता है तो पप्पू यादव के पास जाते हैं, उनका हेल्प करते हैं। आज जो दिल्ली में इलाज चल रहा था, इतना गरीब इलाज करवाया तो पप्पू यादव ही करवाया, और कौन करवाया? बीमा भारती यहाँ से है, संतोष कुशवाहा है, तेजस्वी यादव आज आए थे, क्या कुछ कहिएगा उसके बारे में? तो हम कुछ नहीं बोल सकते। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रेजा अख्तर हुआ। क्या लग रहा है पूर्णिया में इस बार? इस बार जो पूर्णिया में पप्पू यादव निकला हुआ पूरा हवा निकले हुए हैं। हाँ पूरा उसका जो है बच्चा बच्चा था लेकिन बुरा बुरा तक उसी का नाम जप रहा कि पप्पू यादव ही निकलेंगे इस बार। अब बाकी जो लोग हैं यहाँ पे, बाकी लोग को वोटिंग होगा, ऐसा नहीं कि उन लोगों को भी वोट नहीं होगा, लेकिन पप्पू यादव का कुछ ज़्यादा ही मांग है इस बार, क्योंकि वो जनता के लिए काम करते हैं, खड़े रहते हैं ठीक है, कभी कोई मुसीबत में आदमी रहे वो जो है मसीहा बन के पहुँच जाते हैं ठीक है, इसी वजह से सब सबके दिल में उसका जगह बन गया, इसीलिए पप्पू यादव ही को सब सपोर्ट कर रहे हैं। मौजूदा जो सांसद है उनसे किस वजह से नाराजगी है? काम नहीं हो पा रहा है इसी वजह से, काम चाहिए जनता को, विकास चाहिए, विकास नहीं हो पा रहा है, यही चीज़ है। क्या करते हैं? हम लोग पूर्णिया में रहते हैं, मेडिकल लाइन से हैं। चलिए यहाँ पे कई लोग और हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करती है एक एक करके। क्या नाम है भैया आपका? भास्कर।
क्या लग रहा है इस बार पूर्णिया में किसका माहौल? ये तो अभी बताया नहीं जा सकता भैया, दोनों का ही टक्कर चल रहा है। किनके किनके बीच में? संतोष कुशवाहा है, पप्पू यादव है, दोनों के बीच में टक्कर का है। बीमा भारती नहीं है, आज तेजस्वी यादव मुकेश सैनी एक साथ आए हुए हैं पूर्णिया में, लेकिन सब तो बोल रहा है इन दोनों के बीच में ज़्यादा टक्कर चल रहा है। किनके? पप्पू यादव और कुशवाहा जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? सौरभ। क्या लग रहा है पूर्णिया में इस बार किसका माहौल है और किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं? पूर्णिया में हमको लग रहा है जो एग्जिस्टिंग जो है ना वही होंगे, क्योंकि कैसा है ना पॉलिटिक्स सिस्टम ऐसा है कि ये जो है ना मतलब वो कभी चेंज नहीं होते, मतलब वोट क्या चेंज नहीं हो सकता? जो एग्जिस्टिंग जो होता है ना जो मतलब जो वोट साइकिल चलते रहता है ना वो चेंज नहीं होता है। एग्जिस्टिंग तो, मतलब थोड़ा समझा के बोलिए, मतलब जो यहाँ के सांसद है। हाँ, सांसद है, जैसे कि जो जिला का, जैसे कि मैं पूर्णिया का बात कर रहा हूँ जी जी, तो जैसे कि जो सेंटर में जो होते हैं तो उसी का जो जो जिसको मतलब फेवर करते हैं ना तो वही होते हैं धन्यवाद। तो इस वक्त हम लोग पूर्णिया में हैं और पूर्णिया के जनता के बीच में जाकर उन लोगों की राय ले रहे हैं कि आखिर यहाँ के लोगों का क्या मूड है, किनके पक्ष में और किस मुद्दे पर यहाँ के लोग वोट करना चाह रहे हैं। आप सुन रहे हैं लगातार, हम लोग भी एक एक अपडेट दे रहे हैं।